बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस एंड इट्स डोमेन। ठीक है, फंक्शन को और डोमेन को हमने वैसे पहले डिस्कस कर लिया था, लेकिन अब आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फंक्शन देखें, द रिलेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस in which for each value of x there exists a unique value of y. देखें, अब रिलेशन फंक्शन क्या होता है, रिलेशन होता है या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन एक्चुअली एक रिलेशन होता है बिटवीन टू थिंग्स और बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, क्या होता है, टू थिंग्स होगी या फिर टू वेरिएबल्स होंगे, उनके बिटवीन हमारे पास एक रिलेशन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं कि फंक्शन कहते हैं। आप उन दोनों के बिटवीन रिलेशन क्या होगा, एक आपके पास वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट होगी और दूसरी क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, और ये डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी का जो रिलेशन होता है उसको हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अ रिलेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, अब क्या होगा, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए वाई की एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब हमारे पास वो जो रिलेशन होता है वो फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास है एक्स, एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि वाई डिपेंड कर रहा है एक्स की वैल्यू पे, एक्स की वैल्यू से ही हमारे पास यूनिक वैल्यू ऑफ वाई अगर आ जाती है तो हम क्या कहेंगे कि वो आपके पास रिलेशन जो है वो फंक्शन है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल्स हमने पहले भी इसकी कर ली है, एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करते हैं वन, तो हमारे पास वाई की भी सिंगल वैल्यू आएगी, यूनिक वैल्यू आएगी, वन का स्क्वायर प्लस वन पुट, क्योंकि एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो एक्स की हमने वैल्यू वन ले ली। अब वाई की वैल्यू जो है वो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, जब तक हम वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू पुट नहीं करेंगे तब तक हमारे पास वाई की वैल्यू नहीं आएगी। तो यहां से आपके पास आ गई वाई की वैल्यू टू। ठीक है, व्हेन एक्स इक्वल्स टू वन देन वाई इक्वल्स टू टू, मतलब जब तक हम x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे तब तक y की वैल्यू नहीं आएगी, जिसकी वजह से हमारे पास y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरीके से आप देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल हो गई, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल है y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। ठीक है, या भाई यहाँ पे हम 4x ले लेते हैं, y square equals to 4x। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास y square दिया हुआ है, लेकिन हमें फंक्शन में y चाहिए तो हम बोथ साइड स्केयर रूट ले लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा स्केयर रूट 4x और यहां से ये वैल्यू बन जाएगी y equals to प्लस माइनस 2 स्केयर रूट x। ठीक है, अब अगर यहां पे हम सेम वही x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, x इक्वल्स टू 1, तो y की कितनी वैल्यूज आती हैं, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 1, व्हिच इज y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, तो यहां से एक y की वैल्यू आ गई 2 और दूसरी क्या आई, माइनस 2। तो आप देखिए ये हमारे पास एक फंक्शन नहीं है, क्यों, रीजन आपके पास ये है क्योंकि हमने कहा था फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, सिंगल यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए y की एक वैल्यू के लिए। ठीक है, x की एक वैल्यू के लिए हमारे पास y की भी एक वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे तो टू वैल्यूज आ चुकी हैं, इट मींस दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डोमेन पे।
डोमेन ऑफ अ फंक्शन पे डोमेन देखें, डोमेन है आपके पास द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच एफ ऑफ एक्स इज डेफिनेट इज कॉल्ड डोमेन। देखिए मैंने आपको पहले भी ये एक्सप्लेन किया था कि आपके पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, y के इक्वल होगा। नेक्स्ट आप देखें डोमेन किसको कहते हैं, द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, x, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच फंक्शन इज डेफिनेट या फिर एफ ऑफ एक्स इज डेफिनेट इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई के इक्वल होता है। अब हमारी अपनी मर्जी है कि हम जो है वो वाई लिखें या फिर एफ ऑफ एक्स लिखें फंक्शन को, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं डोमेन की, हमें कैसे पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की कौन सी वैल्यूज जो है वो डोमेन में एग्जिस्ट करती है और कौन सी नहीं करती है, ठीक है। अब हम एक वैल्यू लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाय एक्स, ठीक है। ये हमने एक फंक्शन ले लिया। अब इस फंक्शन में हमने चेक करना है कि कौन सी जो वैल्यूज है रियल नंबर में से वो इस फंक्शन के डोमेन है और कौन सी नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच फंक्शन इज डेफिनेट मीन्स फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आती है, फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो जाता। अनडिफाइंड मीन्स कि फंक्शन की जो है वैल्यू अगर डिफाइंड नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं आती तो वो अनडिफाइंड कहलाता है, ठीक है। मैथ्स में आपके पास 1/0 जो होता है, 1/0 ये आपके पास अनडिफाइंड होता है। तो मतलब इस तरह की अगर कोई कंडीशन मैथ्स में बनेगी तो हम उसको अनडिफाइंड लिखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज डेफिनेट होती हैं, ठीक है, इसका डोमेन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस फंक्शन की कौन सी वैल्यू पे इस तरह की कंडीशन बन रही है, ठीक है। अब देखिए अगर हम x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 इक्वल्स टू 1/0 विच इज अनडिफाइंड। बेटा 1/0 की मैथ्स में कोई वैल्यू नहीं होती, ये अनडिफाइंड होता है। तो अब हमने इसको अनडिफाइंड लिख लिया, आप या इन्फिनिटी लिख लो या फिर अनडिफाइंड आपकी मर्जी है। हमारे पास f ऑफ 0 इक्वल्स टू 1/0 विच इज अनडिफाइंड, तो हम डोमेन क्या लिखेंगे, डोमेन इक्वल्स टू इस फंक्शन की डोमेन आपके पास क्या आई, ऑल रियल नंबर्स अदर देन 0, ठीक है, क्योंकि 0 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। बाकी जितने भी नंबर्स आप इसमें पुट करके देख लें आपके पास कोई ना कोई आंसर आएगा, ठीक है, सिर्फ 0 पे आंसर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमने क्या कहा, द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच एफ ऑफ एक्स इज डेफिनेट इज कॉल्ड डोमेन। तो फंक्शन बाकी सारी वैल्यूज पे डेफिनेट है, कोई ना कोई आंसर दे रहा है, सिर्फ 0 पे आंसर नहीं दे रहा, अनडिफाइंड हो रहा है, जिसकी वजह से हमने इसकी डोमेन में से डोमेन जो थी वो ऑल रियल नंबर्स थी, उसमें से डोमेन रियल नंबर्स में से 0 को निकाल दिया, बाकी सारे रियल नंबर्स जो है वो इसकी डोमेन में इंक्लूड है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2 देखें, देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x+5, ठीक है। अब हम इसकी डोमेन चेक करते हैं कि इसकी डोमेन आपके पास क्या आती है या फिर इसकी डोमेन में से हमने क्या एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो देखिए आप इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं इसके डिनोमिनेटर, देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो आपके पास ये वैल्यू पूरी अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो आप हमारे पास डोमेन में से हमने
वो चीज निकालनी है जो कि डिनोमिनेटर को जीरो करिए, वो वैल्यू निकालनी है, वो नंबर निकालना है, ठीक है। तो अब अगर हम कहें, देखिए इसको लिख लेते हैं, x प्लस फाइव जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, तभी हमारे पास वो सारे नंबर्स जिन नंबर्स पे x प्लस फाइव जीरो नहीं होता, वो सारे नंबर्स जो है वो डोमेन में इंक्लूड हैं, ठीक है। तो हमने लिख लिया x प्लस फाइव नॉट इक्वल्स टू जीरो, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कौन से नंबर पे आपके पास ये जो फंक्शन है वो जीरो हो रहा है, ठीक है। अगर हम x की वो वैल्यू निकाल लें जिसपे ये फंक्शन जीरो हो रहा है, तो हमारे पास क्या होगा कि वो हम उसको डोमेन में से निकाल देंगे, डोमेन में से निकाल देंगे, बाकी सारे नंबर जो है वो डोमेन में इंक्लूड होंगे। तो अब x प्लस फाइव नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लें आप, x नॉट इक्वल्स टू माइनस फाइव, तो x जो है वो माइनस फाइव के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे माइनस फाइव पुट किया तो माइनस फाइव प्लस फाइव जीरो हो जाएगा, वन बाय जीरो इज अनडिफाइंड। देखें f ऑफ माइनस फाइव पुट करेंगे अगर हम, तो ये माइनस फाइव प्लस फाइव इक्वल्स टू वन बाय जीरो विच इज अनडिफाइंड, ठीक है। तो फंक्शन हमारा जो है वो माइनस फाइव पे अब अनडिफाइंड हो रहा है, तो हम डोमेन क्या लिखेंगे, डोमेन इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स अदर देन माइनस फाइव, क्यों, क्योंकि माइनस फाइव पे हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है, क्यों, डिनोमिनेटर माइनस फाइव पे जीरो हो रहा है, वन बाय जीरो इक्वल्स टू अनडिफाइंड। नेक्स्ट हम थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं, थर्ड एग्जाम्पल इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन बाय टू एक्स प्लस फाइव, इसकी भी हम डोमेन निकालते हैं। अब देखिए डोमेन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो ना, ऐसी वैल्यू जिसमें डिनोमिनेटर जीरो होता है उसको हम रेंज में से डोमेन रियल नंबर्स में से निकाल देंगे, ठीक है। अब वो हम कैसे निकालेंगे, 2x प्लस फाइव को अगर हम रखें नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब 2x प्लस फाइव नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, किस वैल्यू पे, x की किसी ना किसी एक वैल्यू पे, स्पेसिफिक वैल्यू पे, ठीक है। अब देखते हैं कि वो वैल्यू कौन सी आती है, 2x नॉट इक्वल्स टू प्लस फाइव को दूसरी साइड पे ले जाएं, आपके पास माइनस फाइव हो जाएगा और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस फाइव बाय टू। अब देखें x की माइनस फाइव बाय टू वैल्यू पे हमारा डिनोमिनेटर जो है वो जीरो हो रहा है, ठीक है। जब x नॉट इक्वल्स टू माइनस फाइव बाय टू होगा तब हमारे पास ये वैल्यू डेफिनेट होगी, इस वैल्यू पे हमारा जो आंसर है वो इनडेफिनेट आएगा, अनडिफाइंड आएगा। तो हम डोमेन में से, या फिर आप पुट करके देख लें हमेशा, f ऑफ माइनस टू फाइव बाय टू इक्वल्स टू वन बाय टू इंटू माइनस फाइव बाय टू प्लस फाइव माइनस फाइव बाय टू इक्वल्स टू 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 से कैंसिल आउट, वन बाय माइनस फाइव प्लस फाइव इक्वल्स टू वन बाय जीरो विच इज अनडिफाइंड। देखें माइनस फाइव बाय टू पे आपके पास ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन में से माइनस फाइव बाय टू को निकाल देते हैं। रियल नंबर्स माइनस फाइव बाय टू, नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर फोर, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन बाय माइनस थ्री बाय टू एक्स प्लस फाइव बाय सेवन, देखिए हमने ऐसा नंबर निकाला है जिसपे आपके पास डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर जिस नंबर पे जीरो होता है उस पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है। तो वो नंबर अगर हम रियल नंबर्स में से निकाल दें तो बाकी सारे रियल नंबर्स आपके पास डोमेन में इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो अब हम माइनस थ्री बाय टू एक्स प्लस फाइव बाय सेवन को रख लेते हैं नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा तभी हमारे पास ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड होगा। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लें, 3 बाय टू एक्स नॉट इक्वल्स टू माइनस फाइव बाय सेवन, एक्स की वैल्यू ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट, 5 बाय सेवन, 3 बाय टू
राइट साइड पे जाके 2/3 हो जाएगा, एक्स नॉट इक्वल्स टू 10/21, ठीक है। अब एक्स जो है वो 10/21 जब होगा तब हमारे पास ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, जिसकी वजह से हम डोमेन क्या लिखेंगे, डोमेन इक्वल्स टू रियल नंबर्स में से एक्सक्लूड कर दें 10/21 को, +10/21 को, ठीक है। तो ये आपके पास इस फंक्शन की डोमेन आ गई, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रेंज का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।